Hey, please, 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 please. Please. Sir. Yes, sir. आप बोले या फैसल जो भी आप बोले साहब बोले मैं बोल थैंक यू जी थैंक यू सर स्पीकर साहब ये बड़े अचंभे की बात है मैं समझता हूँ और सिंध असेंबली के रिकॉर्ड पर मैं बहरहाल आखिर में आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने रिकॉग्नाइज ही किया तासीर से लेकिन बहरहाल सर इसी असेंबली में कुछ अर्से पहले चंद माह पहले हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त हमारे कायदे ऐवान इस ऐवान के हमारे मिनिस्टर साहिबान पूरे सिंध की आवाम को यह बतला रहे थे कि सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2012 दर हकीकत सिंध के आवाम के लिए एक नुस्खा कीमिया है कि जिससे सिंध के आवाम की किस्मत जाग जाएगी। इसमें सिंध के तुलवार्ज में कई डिस्ट्रिक्ट में 6 को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाएंगे और सिंध भर के लोगों को बेटर म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इसलिए नहीं रखेंगे 2001 का ऑर्डिनेंस क्योंकि वो एक फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ का था। 1979 का ऑर्डिनेंस फौजी आमिर जनरल जियाउल हक का क्या नहीं था। लेकिन यहीं से लेकर जलसे किए गए मिलकर गुफ्तगू की गई बात ये की गई कि इसमें सिंध के आवाम की फलाह के खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता और ना उसमें था। उसमें क्या बात थी? बात ये थी कि जो वजीर साहिबान एक एक जिले में तालुका तहसील में यूनियन काउंसिल में जा नहीं सकते। हम सिंध का क्लेम टू फेम नेशनल फाइनेंस कमीशन में कहते हैं कि जनाब सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए और जहां से जितना रेवेन्यू कमाना है उसको दिया जाए। लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी लेकर मैं कहूं कि शहरों को जिलों को तहसीलों को तालुकों को मैं इख्तियार नहीं दूं, ये कहां की खुद मुख्तारी है? मैं ये कहूं कि कराची शहर में किस तरीके से तरक्की हो गई, जिस शहर में पिछले 12 बरस में ऑन एवरेज प्रोविंशियल डेवलपमेंट जो फंडिंग है उसकी सिर्फ एलोकेशन लेस देन 9% रही है। अगर किसी ने नहीं की तो उसकी कोताही थी जिन जिलों में पैसे लगाने और पैसे होने के बावजूद। सिंध के आवाम को यह बताया गया कि आपकी फलाह के लिए यह निजाम इसलिए जरूरी है कि सिर्फ सेवरेज का ट्रीटमेंट नहीं, सेवरेज की फैसिलिटी नहीं, बेटर पोर्टेबल वाटर नहीं, बेहतर पानी का पीने का पानी, स्कूल कॉलेज अस्पताल यही नहीं, आपकी प्लानिंग आइन का आर्टिकल 140 है, ये कहता है एवरी प्रोविंस शैल हैव द इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हैविंग फिस्कल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। मुझे यहां बैठे हुए अकाबरीन बताएं, सिंध के आवाम को बताएं, कानूनदानों को बताएं कि आइन का आर्टिकल 140A, आइन का आर्टिकल 7 कहता है कि देयर विल बी 3 टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। रियासत उस वक्त कंप्लीट होगी, कौन सी? वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतें। क्या 1979 का लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस, सर लोकल गवर्नमेंट नहीं, लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस ये कहता है कल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी? आया सर ये शहरी हुकूमतों का जिलाई हुकूमतों का काम है या नहीं कि वो अपने आप तय करें कि उन्होंने अपने शहरियों को कैसी सहूलियात फराहम करनी है? आया SPLGO 2012 में कराची के अलावा बाकी 5 जिला को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा देने के साथ साथ क्या कोई तफरीक कोई तमीज बाकी अजला में और इन 6 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में रखी गई थी? नहीं सर, कथन ऐसा नहीं था। ये सियासी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी पॉलिटिकल इश्यूज, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को उनके साथ खलत मलत करें, अगर ये बदकिस्मती इस सूबे की क्या है, इस सूबे की बदकिस्मती ये है कि हम इंतजामी और सियासी मामलात को बदकिस्मती के साथ शहरी और देही मामलात बताते चले आए, शहरी और देही तफरीश चला बताते चले आए। थरपारकर के मिट्टी के बदीन के अंबर का शहरी का हक नहीं है कि उसे पीने का साफ पानी मिले और खाली सियासी इंतजामी तौर पर बाइख्तियार अवामी नुमाइंदे की तरफ देखे कि जो मकामी तौर पर मुंतखिब हुआ है, बजाय इसके कि वो मिनिस्टर लोकल का
रोके कि वो वजारतों के धक्के खाता रहे। जैकबाबाद और कश्मीर से आकर यहां पर कराची में उसको हमने क्या दिया? इस असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही है, इस असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही है, इस हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है। हमने क्या दिया उनको? दिया खिलवाड़, उन्हें दी समरसॉल्ट कि 2011 में 2010 में कहें कि नया निजाम लाएंगे, 2011 में कहें कि नहीं जनाब नया निजाम नहीं लाएंगे, 79 सही था, 2012 में कहें कि नहीं ये सबसे अच्छा निजाम है, और 2013 में फिर कह दें कि 79 सही था। लोग पूछेंगे सर ये नहीं मेरे पास नंबर्स नहीं है इस वक्त, ठीक है, लेकिन मेरे पास एटलीस्ट मेरे पास ये अखलाकी जुर्रत है कि मैं लोगों को कहूं कि हां मैंने कराची से लेकर कश्मीर तक लोगों को बेहतर शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए जो कदम सूबाई हुकूमत का इख्तियार नहीं है, जो आईन के तहत मकामी हुकूमतों का इख्तियार है, मैंने कहा कि उनको दो। किसी ने तादाद की बुनियाद पर इसको रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं सर। लोग पूछेंगे, सिंध के चप्पे चप्पे में लोग पूछेंगे कि जो मुसव्विदा कानून कल तक सिंध के शहरियों को एक करता था आज वो क्यों कर बुरा हो गया? आज का ये फैसला एक और स्याह फैसला है बदकिस्मती के साथ। वी नो कि मेजॉरिटी रूल्स, बट मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज अप्रोप्रिएट और मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट एंड जस्टिफाइड। इट इज नॉट जस्टिफाइड विद द पीपल ऑफ सिंध, इट इज नॉट जस्टिफाइड विद इवन द रूरल और अर्बन पॉपुलेशन ऑफ सिंध। तारीख लिखेगी, मौर्रिख लिखेगा। आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया इस तवक्को के साथ कि इस असेंबली में आगे जो भी लोग आए वो वाकईतन सिंध के लोगों से मोहब्बत का दावा मेरिट पर करें, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए नहीं करें। सर हम सब यहां मौजूद हैं सिंध के बेटे, सिंध धरती के बासी, इस धरती को पॉलिटिकल समर सॉल्ट के जरिए आप बना नहीं सकते। यहां गवर्नेंस देनी चाहिए, बेहतर तर्ज हुक्मरानी देनी चाहिए, यहां बदनवानी को रोकना चाहिए, यहां डिलीवरी और सर्विसेज को इंश्योर बनाना चाहिए, लेकिन इन समर सॉल्ट के जरिए इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वी आर वॉकिंग आउट फ्रॉम द सेशन बिकॉज फ्रॉम हेयर ब्रूट मेथडिटी के जरिए सिंध के अवाम के खिलाफ एक मुसव्विदा कानून को पास किया गया है जिसपे हम शर्मसार हैं सिंध के वासियों से कि हमारे पास नंबर्स होते जब तक हमारी पॉलिटिकल कोलेशन थी, वी नेवर लेट इट हैपन। जब सिंध के अवाम गवा रहे हैं कि जब हमारे पास इख्तियार होगा हम सिंध के एक एक करिए गांव देहात गोट जिले तहसील में सिंध के लोगों की पाकिस्तान के लोगों की फलाह के लिए मुसव्विदा कानून लाएंगे और उसको इन्फोर्स करवाएंगे, बिकॉज वी बिलीव कि जो हुआ है वो सियासी शोबदेबाजी है, पॉलिटिकल जगलरी है, और जो होना चाहिए वो सिंध के आवाम से दोस्ती होनी चाहिए। सर थैंक यू। इनको चाहिए कि एमपीएम के रहनुमा फैसल सबवारी सिंध असेंबली में आज होने वाली कार्रवाई पर बात कर रहे थे और उन्होंने साफ और अल्फाज में कहा कि सिंध असेंबली में आज जो कुछ हुआ वो आवाम से खिलवाड़ है, अजीब तमाशा और तजाद करार दिया, और अब एमपीएम के अराकीन असेंबली से वॉकआउट कर रहे हैं।